की खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां माई यमुना रक्षक संघ के द्वारा लगातार संघ का विस्तारण। जी हां, खबर है उत्तराखंड से, जहां माई यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप द्विवेदी और उपाध्यक्ष रजत सिंह ने मूसा नगर स्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य की मंत्री एवं यमुना रक्षक संघ के शंकराचार्य साध्वी निरंजन ज्योति के आवास पर मुलाकात की। वही आगामी दिनों में उत्तराखंड में चल रहे कुंभ कार्यक्रम के दौरान साध्वी को विकास नगर देहरादून आने का निमंत्रण दिया तथा साध्वी द्वारा माँ यमुना रक्षक संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर भी हर्ष व्यक्त किया। साथ ही साथ माँ यमुना रक्षक संघ द्वारा किए जा रहे हर एक कार्य में मदद का आश्वासन भी दिया। जौनसार बाबरचंद कल्याण विकास समिति साथ ही साथ ITBP आंतरिक शिकायत समिति को दी। देखे संवाददाता सविता रानी की रिपोर्ट। देखिए है कि भाई सगर रिश्तेदार नहीं आता दुख सुख में, आपके भी जाता हूँ, रवि वगैरह के साथ भी जाता हूँ, सारे ठीक है। जैसे संगठन के 10-20-50 लोग एकदम तुम्हारे लिए आ गए, और ये हमारे संदीप दुबे जी और राष्ट्रीय महासचिव हमारे पंजाब सिंह मजीठिया जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारी सविता जी, ऊपर के अधिकारी जो है बिल्कुल जिद पड़े बैठे होते हैं, काम नहीं हो पाता, तो इसलिए संगठन का जो है विस्तार किया जा रहा है लगातार लंबे समय से। आप लोग हमारी ताकत है, पर हम आपके साथ हैं, सबसे बात है कहीं भी सामने खड़े हैं। जी सर, ये बताएंगे आप जो माँ यमुना रक्षक संघ की तरफ से आपने जो ये पद दिए हैं यहाँ पे गरीब जनता को, जिसके बारे में अभी पता भी नहीं है कि यहाँ पर इनके कार्य के क्या क्या सुविधाएं मिली हुई हैं गवर्नमेंट से, जो इनको पता नहीं है, जानकारी का अभाव है, और आपने आकर यहाँ पर इनको बताया है, तो सर क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? आज जो है डुमेट बाड़वाला में जो है ग्राम पंचायत यहाँ पर माँ यमुना रक्षक संघ का विस्तार किया गया है, और संगठन विस्तारीकरण में हमारी माताओं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और हमने ये जाना ग्राम पंचायतों में आकर कि वास्तव में कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर उतारी नहीं जा रही हैं, और बड़ी लापरवाही एक तरह से मान के चलिए कि चाहे वो ग्राम प्रधान हो, BDC हो या अन्य हो, जनप्रतिनिधि वोट लेने के बाद आम जनता का एक तरह से उत्पीड़न नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ तक इन माताओं बहनों ने मुझे बताया कि इन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से आज तक वंचित है, क्योंकि उन चीज़ की जानकारी उनकी नहीं है। तो आज जो माँ यमुना रक्षक संघ की जो विस्तारीकरण हुआ है, तो लगातार हमारे द्वारा जो है संगठन विस्तारीकरण का कार्य जो है पूरे देश में चल रहा है, और इसी क्रम में आज यहाँ पर विस्तारीकरण किया गया है, और साथ ही संकल्प भी लिया गया है संगठन द्वारा कि समय समय पर लगातार जितने भी जनहित के कार्य हैं, जितने भी केंद्र सरकार की जो योजना है उन्हें उनकी जानकारी ग्रामवासियों को दी जाती रहेगी, और आज भारी संख्या में ग्राम पंचायत बड़वाला डोमेट के जो हमारी माता बहनों ने संख्या सदस्य ली है, कई परिवारों ने सदस्य ली है, और कंधे से कंधा मिलाकर जो है यमुना रक्षक संघ में जो है विस्तारीकरण के लिए आगे इनका योगदान हमारे साथ जारी रहेगा, और लगातार इन समस्याओं पर जो है काम हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सर। जी सर, आप बताएंगे ये जो आपने यहाँ पे पद दिए हैं, ये जो विस्तारीकरण हो रहा है माँ यमुना रक्षक संघ की तरफ से? माँ यमुना रक्षक संघ का लगातार विस्तार चल रहा है पूरे भारत के अंदर, खासकर उत्तराखंड से शुरू हो रहा है और पूरे भारत में विस्तार चल रहा है, और
गांव-गांव जाकर माँ यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी, जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रदेश सदस्य के पदाधिकारी, जो बड़ी गंभीर समस्याएं हमें ग्रामीणों की जनता की मिल रही है, उसको भी हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। क्योंकि जो योजनाएं राज्य स्तर की हो, केंद्र स्तर की हो, वो गरीबों को नहीं मिल पा रही है खासकर, और गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए माँ यमुना रक्षक संघ हमेशा तैयार खड़ा है, उत्पीड़नों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार खड़ा है। आज कुछ हमारे जिलाध्यक्ष मुमताज खान ने जो पद यहाँ पर बांटे हैं, 5 पद बांटे हैं, ये यहाँ पर सालू जी को जो है जिला सचिव बनाया गया, और मानसी जी को जिला सचिव बनाया गया, और सोनी जी को जिला उपाध्यक्ष बनाया गया, और अन्नू जी को जिला संगठन मंत्री बनाया गया, और सपना जी को जिला महासचिव बनाया गया। हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और माँ यमुना रक्षक संघ हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का